ओके जी, हमारा रिकॉर्डर भी चल चुका है और पार्टिसिपेंट भी तकरीबन 18 आ चुके हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबको? यस सर, ओके, यस सर, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने मतलब कुछ बातें की थी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उसको हमने देखा था कि जी हम अपना प्रोग्राम स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम मतलब थोड़ा सा कंट्रोल दे के प्रोग्राम को, उससे डिसीजन करवा सकते हैं। हमने देखा कि हम कोई एक छोटी सी जो कंडीशन है उसको भी मतलब कंप्यूटर से डिसाइड करवा सकते हैं वेदर कंट्रोल उस लाइन के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सर और स्क्रीन नहीं शो हो रही, जस्ट अ मिनट प्लीज। हो रही है सर? अच्छा, ये अभी जो बच्चे जिसने बोला है कि स्क्रीन नहीं शो हो रही, ये आपको हर रोज नहीं शो होती या आज नहीं बस शो हो रही? सर शो होती नहीं है, नो ओहो, यानी मतलब बिल्कुल भी नहीं शो होती। सर। आप मोबाइल पे तो नहीं है? भाई स्क्रीन के ऊपर पिन का ऑप्शन होगा एक। जी ये ट्राई करें, अगर पिन का ऑप्शन है कहीं पे तो। अव्वल तो जो होस्ट होता है उसकी तो पिन होती है वीडियो, बहरहाल फिर भी आप देख लें। सर अगर पिन का ऑप्शन हो ना तो फिर स्क्रीन शो नहीं होती, और अगर पिन को क्लिक करें तो स्क्रीन शो होने लग जाती है। ये ट्राई कीजिएगा जी, अगर मतलब आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही तो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जी हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं कि वो डिसीजन कर सके। फिर हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम डिसीजन को थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर सकते हैं। हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल जो क्या कहेंगे उसको, यानी कि मल्टीपल जो कंडीशंस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था, हमने और ऑपरेटर पढ़ा था, उसके अलावा हमने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था। इन तीनों ऑपरेटर्स में से हमने एम्परसैंड वाला ऑपरेटर यूज़ किया था, और भी आप यूज कर सकते हैं, नॉट भी आप यूज करते हैं। वक्तन फवक्तन हम ये चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पर अभी के लिए फिलहाल ये समझ लें कि ये कुछ चीजें अभी इनको ये समझ लें कि उबले हुए चावल मिल रहे हैं, इनकी जो बिरयानी वाली जो डिश है ना वो भी बाद में तैयार होगी। बेस आपकी बनेगी, अच्छी बनेगी, तो इन चीजों को आप इफेक्टिवली यूज कर सकोगे। अदरवाइज वो एक बम्बार्डमेंट होती है टर्मिनोलॉजी की, कि मैं एंड के भी ऑपरेटर्स आपके सामने चला दूं, हम दूसरे तीसरे ऑपरेटर्स भी साथ चला दूं। देखें, अभी तक हमने जो काम किया है वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप को लेके किया। लास्ट टाइम हमने एक कैरेक्टर जो है वो ऐड करवाया था। अगर आपको ये प्रोग्राम स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम बनाया था जिसमें हम यूजर नेम से यूजर नेम लेते थे और पासवर्ड जो है वो भी यूजर से लेते थे। यूजर नेम जो हमने सेट किया था वो एक सिंगल करेक्टर था, वो मतलब हमने बता दिया कि अगर ए हो तो ये यूजर नेम, यानी एक क्रेडेंशियल वैलिड है। अगर पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो तो ये भी क्रेडेंशियल वैलिड है। अब यहां से हम बात आगे स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास जो डिसीजन है वो डिसीजन हम एक और तरह भी ले सकते हैं। मतलब एक तो हमने बात की कि इफ एल्स के जरिए आप डिसीजन ले रहे हैं, अब दूसरी जो जो दूसरा तरीका कार है वो क्या है कि जिसके जरिए आप डिसीजन ले सकते हैं, वो तरीका आता है आपके पास लूप के जरिए। मतलब लूप भी कंडीशन चेक करती है, लूप भी इतना स्मार्टली वर्क करती है कि एक तो वो कंडीशन चेक करती है, दूसरा काम उसका ये है कि वो रैपिडली एक काम बार बार आपको मतलब वो जो है ना करवा रही होती है। अब देखें, समझने वाली बात है जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 50 लाइन जो है ना वो प्रिंट करवानी है। अच्छा जी, दो बच्चों को शायद प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, शाहरुख को भी प्रॉब्लम आ रही है।
सर अभी हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी फिर नहीं हो रही। अभी हो रही है स्क्रीन शो? नहीं हो रही। चले मैं दोबारा जी इसको स्क्रीन को नहीं लोड, सर। मैं दोबारा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी अभी हो रही है जी शो स्क्रीन। यस सर। ओके, तो लूप की हम बात कर रहे थे कि जी लूप से हम दो तरह के काम लेते हैं। मैंने कहा कि जी आपने फर्ज करें आपको टास्क दिया गया है, टास्क ये है आपके पास कि आपने करना है आपने ये करना है कि आपने एक लाइन को 50 बार प्रिंट करना है। अच्छा अगर आप थोड़े से मतलब समझ लें कि जी हार्डवर्क के आदी हैं और आप समझते हैं कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता सर हूँ। हसीब राव की स्क्रीन शो हो रही है, आपकी नहीं हो रही। हसीब आप काइंडली यस सर। कैंसिल कीजिएगा जी अपनी स्क्रीन। वुप्स सॉरी। अच्छा एक तो पता नहीं मैं जिसको नॉमिनेट करता हूँ वो बंदा वैसे लेफ्ट कर जाता है या पता नहीं नेट का प्रॉब्लम आता है। आपका रो भी बड़ा है। अल्लाह हू अकबर। सर चलें जी बैड बैक टू टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि जी स्क्रीन शो हो रही है जी सबको? हाँ जी सर मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने एक लाइन को 50 बार प्रिंट करना है। तो एक तो ये काम है कि आप वो लाइन 50 बार प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ 50 बार लिख लें। अच्छा 50 तक तो चलो एक रीजनेबल बात समझ आती है कि बंदा लिख सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं आपको कह देता हूँ कि 1000 लाइन आपने लिखनी है। तो यहाँ पे अब लिखना सॉरी सॉरी जी अभी आपने कुछ कहा था वो बोलिएगा। सर जी, सलाम सर जी किया था सलाम आपको। किया था आपको। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी दूसरा स्मार्ट वे आपके पास ये है कि आप उन 50 लाइनों को मतलब 3-4 लाइन में आप डिफाइन करके उनको लिख सकते हैं। आप देखें कि लूप जो है ना वो रैपिडली वर्क करती है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है? अभी हम जस्ट व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं और कोई भी लूप जो है ना उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अभी हमारे पास जो लूप चल रही है वो सिर्फ व्हाइल लूप चल रही है। उसका सिंटेक्स या उसका स्ट्रक्चर क्या है? देखें आप व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल सारा स्मॉल वर्ड में है। यहाँ पे कंडीशन सेम वही कंडीशन जो आप इफ एल्स में लगाते हैं, मतलब आप किसी रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए कोई वैल्यू का कंपैरिजन करवाते हैं। आगे चल के जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसका भी कंपैरिजन करवाया जाता है। वो किस तरह करवाया जाता है वो एक अलग बात है, जब वहां पे जाएंगे हम वहां पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप समझ लें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए आप कंडीशन का कंपैरिजन करवाते हैं, मतलब आप वैल्यूएट करवाते हैं क्या ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इतने से बड़ी है या छोटी है या जो भी है, वो सारा आप कंपैरिजन करवाते हैं। फिर आपके पास ब्रेसिस आती हैं, मतलब ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अच्छी प्रैक्टिस यही कहती है जैसे ही आप ओपनिंग ब्रेस लिखें उसके साथ ही क्लोजिंग ब्रेस लिखें, और उसके बाद इसकी इंटेंडेशन का ख्याल रखें कि जो ब्रेस जहां पे ओपन हो रही है सेम नीचे आके वहां पे ही वो क्लोज हो। और मतलब आगे चल के इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते रहेंगे, अभी तक के लिए बस ये रूल है कि याद रखें जहां पे ब्रेस ओपन हो रही है वहां पे इसको क्लोज करें और ब्रेस जहां ओपन करें वहां पे क्लोज करें। बात जरा थोड़ी सी घूम गई है, मतलब ओपनिंग ब्रेस भी और क्लोजिंग ब्रेस दोनों एक साथ बनाएं, और जब इसको मतलब क्लोजिंग ब्रेस को आप नीचे लेके आ रहे हैं तो कोशिश करनी है कि ये जो ब्रेस ओपन है इसी के नीचे उसको करनी है। फिर उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जितने भी आप स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोग्राम की तरफ जाते हैं जी, प्रोग्राम पे जाएंगे तो फिर आपको जरा थोड़ी सी मजीद समझ आएगी। यहाँ पे एक डिमांड की गई है जी प्रोग्राम की, वो कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ अप टू 100। बात की किसी को समझ आई या नहीं आई जी? क्या प्रोग्राम डिमांड कह रहा है? 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है और क्या। जी सर यही करवानी है बिल्कुल। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस अच्छा जी सर यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ नंबर,
यहाँ पे मैंने उसके वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, और यहाँ पे आके मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन की, और इसको मैंने बोल दिया इसमें स्टोर है जीरो। अब यहाँ पे मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैंने 100 तक नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं कंडीशन बताऊंगा। कंडीशन क्या है जी? कंडीशन ये है, जैसे ही मेरा नंबर, मतलब ये वाला नंबर, ये इंक्रीज होता जाएगा, जैसे ही ये नंबर बड़ा हो जाए, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन 100 या इक्वल टू लेस देन 100 हो जाए, मतलब 100 तक तो ठीक है, जैसे ये 100 से बड़ा हो जाए, ये वाली कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर 101 आ गया ना, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने साथ ही पहले ओपनिंग ब्रेस खोली, फिर क्लोजिंग ब्रेस, साथ ही मैंने उसके कर दिया। अब इनको इंडेंट कर दिया, ये देखें जी कितना प्यारा कोड लग रहा है। अच्छा देखें, ये सारा जो हमारे पास आ रहा है एक मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है। मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड आ रहा है ना, वो सारा इंडेंट हो रहा है। अब व्हाइल लूप की अपना एक स्ट्रक्चर है। अब व्हाइल लूप के अंदर जो कोड होगा वो भी सारा इंडेंट होगा, मतलब इन ब्रेसेस से आगे होगा। तो ये कोड की खूबसूरती होती है, और ये मैं आपको लाजमी इन्फोर्स करूंगा। अगर आप लोगों का कोड इस तरह का ना हुआ तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है असाइनमेंट में। मे भी मैं कहूँ कि सर, जी इसको दोबारा करें। जी प्लीज। सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है लेकिन लैपटॉप की नहीं हो रही। यार क्या हो रहा है आज? कोई बच्चा छेड़खानी तो नहीं कर रहा इसके साथ? सर हो रही है लैपटॉप की, प्रेजेंट मुझे बोलिए। नहीं हो रही सर। अच्छा अनान को नहीं हो रही। सर नहीं हो रही लैपटॉप की स्क्रीन। अब नहीं हो रही, अभी हो रही है जी शो? यस अब हो रही है। सर यस हो सर। रही है सर। यस सर। दोबारा ज्वाइन करता हूँ एक यस मिनट। सर, दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे व्हाइल मतलब हमने बताया जी, हमने 100 तक जो है ना नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक मतलब प्रिंट की कमांड दी हमने, हमने बोला प्रिंट एफ। अच्छा जी, प्रिंट एफ किया, क्योंकि हमने इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम परसेंटेज डी बताएंगे। और परसेंटेज डी के बाद हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन भी कर देते हैं। फॉर्मेशन से मुराद के मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट उसका सेट कर दिया। परसेंटेज डी के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, ताकि पहले 1 लिखा हो तो कॉमा, 2 कॉमा, 3 कॉमा, इस तरह सो ऑन। इस तरह जो है हमारे पास 100 नंबर जो है ना वो चलता है। अब इसके साथ मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद मैंने लिख दिया नंबर, यानी मेरा जो वेरिएबल है वो यहाँ तक नंबर आएगा। यहाँ पे छोटा सा एरर है, वो ये कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला। अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही वर्क करेगा? किसी का कोई एनी रैंडम गैस, अगर किसी को समझ ना आई हो तो। क्या हमारा प्रोग्राम 100 तक नंबर प्रिंट करेगा? यस आंसर सर है करेगा। हाँ जी, करेगा। आंसर है यस, पर इसमें एक लॉजिकल एरर है। क्या लॉजिकल एरर है देखते हैं। मैंने जैसे ही इसको रन किया, मेरे पास नंबर जो है वो मतलब वो यहाँ पे तो उसने नहीं वो बताया, मतलब अगर हमारे पास वो ऑफलाइन कंपाइलर होता ना, तो उसने नंबर सारे प्रिंट करने थे, साथ साथ उसने 100 से अबव भी जो नंबर है ना वो भी प्रिंट करते रहने थे। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो हमारे पास नंबर है ना वेरिएबल, ये अपडेट नहीं हो रहा, ये बढ़ नहीं रहा, इसको हमने बढ़ाना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि अगर 1 आया फिर 2 आ जाए, 2 आया फिर 3 आ जाए, 3 आया फिर 4 आ जाए, मतलब इसकी प्रीवियस वैल्यू डिस्कार्ड होती रहे और इसमें न्यू वैल्यू जो है ना वो स्टोर होती रहे। तो उसके लिए अब देखें, यहाँ पे एक पार्ट आएगा, ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा, पर समझने वाला है। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, क्योंकि मैंने नंबर नंबर को ही मतलब मैंने एक्सपोनेंशियली सॉरी, इसको मैंने बड़ा करना है, इसको बढ़ाना है। तो नंबर इज इक्वल टू, नंबर में जो पहले वैल्यू है प्लस 1। अच्छा, इस लाइन की अगर किसी को अगर समझ नहीं ना आई तो इसमें परेशान नहीं होना, मैंने इसको आगे जाके एक्सप्लेन करना है। अभी तक के लिए बस ये समझ लो, इस लाइन का ये मतलब है कि नंबर में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड सो ऑन। यानी सबसे पहले नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 में प्लस 1 किया तो 1 आ गया,
फिर नंबर में वन था, नंबर में प्लस वन किया, फिर टू आ गया, फिर नंबर में टू था प्लस वन किया, थ्री आ गया, और इस तरह सो ऑन ये चलता रहेगा। अब जरा मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैं रन करूंगा अभी सर, जी जी सर, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करें तो नहीं काम चलेगा जी? वही है, वो जरा आगे की बात है, इस वजह से उसको थोड़ा सा मैंने उधार किया अभी जो है ना, उस पे बात नहीं हम कर रहे, उसको थोड़ा सा मैंने उधार किया, वो इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर जो है ना हम करेंगे उस पे, मे बी नहीं मतलब हम करेंगे, लाजमी करेंगे। अच्छा जी, अब जरा देखें यहाँ पे लॉजिकल एरर था मैंने जी, इक्वल टू का साइन जो है ना वो पहले लगाया हुआ था। अच्छा अब इसको जरा करके देखता हूँ मैं, मतलब कंडीशन हमारी और तरह थी, मैंने इस लाइन को पहले कमेंट किया, कमेंट किया इट मीन्स कि वो लाइन जो है ना वो नहीं हो रही। देखिए आपके पास आउटपुट जो है ना ये आ रही 0000000, मतलब क्या है, आपके पास एक तो लूप टर्मिनेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। फॉल्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नंबर कभी बढ़ेगा ही नहीं, ये हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इस वजह से हमें इसको साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा इस वेरिएबल को। जैसे ही अब मैं उसको इंक्रीमेंट लगा के मैंने किया, तो ये देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100 हमारे पास ये एक सीरीज प्रिंट होके आ गया। किसी को इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है जी। आ गई है जी समझ सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके जी, ओके जी। अच्छा देखें यहाँ पे एक और काम भी किया जा सकता है, जस्ट आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक ये है कि आप ये जो 100 लिखा हुआ ना, इसकी बजाय आप यहाँ पे ना लिमिट लिख लें। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको बोला इंट लिमिट, यहां तक ये इसकी डिक्लेरेशन है। मैं साथ इसकी इनिशियलाइजेशन भी करवा देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया 100। ये आप लिमिट वाला जो वेरिएबल है ना, ये आप उससे यूजर से भी गेट करवा सकते हैं, और यहाँ पे नंबर की बजाय आप लिमिट लिख दें, मतलब यूजर को बोलें कि जी हाँ जी बताएं कितनी लिमिट तक आपने सीरीज प्रिंट करानी है। वो कहता है जी मुझे 50 तक करवानी है, यानी यहाँ पे वो इन केस 50 प्रिंट कर देता है। तो आप उसको अब ये वाला वेरिएबल जो है ना, मतलब यहाँ वैल्यू उस हिसाब से मतलब होगी। मतलब ये एक ट्रिक दिया मैंने आपको। अब आपको बजाय इसके कि यहाँ पे आप कंडीशन चेंज करें, आप यूजर से इनपुट लें, यूजर से इनपुट लेके आप उसकी लिमिट सेट करवा के उतनी ही आप कंडीशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पे 1000 भी करवा सकते हैं, 1000 भी करवा सकते हैं, और मतलब आगे भी मतलब जितना आप चाहें एक लिमिट तक आप करवा सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि आप कहाँ तक जो है ना वो इन चीज़ों को प्रिंट आउट जो है ना करवा सकते हैं। अच्छा पहला प्रोग्राम तो हमारा ये था जी, सादा सा था कि हमने एक प्रिंट करवाना थी, सीरीज प्रिंट करवानी थी। जो देखें बजाय इसके कि हम हंड्रेड्स ऑफ लाइन में लिखें, हमने क्या किया, हमने चार लाइन में मतलब चार लाइन इजाफी लगाई हैं बस। हमने वाइल लूप यूज़ किया, वाइल लूप वाली लाइन, और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा था जी उसकी मतलब अपडेशन, एक तो नंबर की अपडेशन हो रही थी, दूसरा प्रिंट की, पहले प्रिंट की लाइन आई फिर दूसरा उसकी अपडेशन थी। अब इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रोग्राम है ये, थोड़ा सा मतलब उससे समझ लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, हल्का फुल्का, इतना ज्यादा नहीं। इसमें वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एड द सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स अप टू 1000 एंड प्रिंट द सम। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सीरीज है आपके पास, फर्ज करो ये सीरीज है, इस सीरीज के कंसेक्यूटिव नंबर को आपने ऐड करना है। मतलब वन को टू में ऐड किया, जो आंसर आया उसको थ्री में ऐड किया, जो आंसर आया उसको फोर में ऐड किया, जो आंसर आया उसको फाइव में ऐड किया, जो आंसर आया उसको सिक्स में ऐड किया, एंड सो ऑन। 1000 तक आपने करना है ये, और 1000 तक करने के बाद मतलब ये काम जब हो जाए तो फिर आपने सिंपली उसका जो समेशन है वो प्रिंट करवा देना है। समझ आई जी प्रोग्राम की किसी को या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई है। ओके जी, तो बैक टू द कंपाइलर, हम यहाँ पे आके इस चीज को रन करके देखते हैं, यहाँ पे आके इसको रन करके देखते हैं कि ये चीज कैसे वर्क करेगी। मैं सिंपली इस प्रोग्राम को यहाँ से मैं चलो कमेंट कर देता हूँ यार, ताकि जो है ना वो चीजें हम वही वेरिएबल जो है ना उनको वैसे यूज कर सकें, और ये कोड भी ना लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कोई सम प्रिंट करवाना, तो मुझे कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं सम स्टोर कर सकूं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर था, नंबर के बाद यहाँ पे आ गया इंट और सम, सम इज इक्वल टू जीरो। मैंने इनिशियलाइजेशन भी उसकी कर दी और साथ ही डिक्लेरेशन भी उसकी कर दिया।
तो ये दो चीजें मतलब हमारे पास आई हैं, एक हमारे पास वेरिएबल है नंबर, एक हमारे पास वेरिएबल है सम। अच्छा अब देखें, अब हमने जो हमारे पास जो नंबर है उसको मतलब अपडेट करवाते जाना है, उसको उसकी सी रिजल्ट में हमने स्टोर करवाते जाना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा जी व्हाइल, व्हाइल लूप सेम एज इट इज, वही मतलब काम। हमारी जो अपर लिमिट थी वो थी 1000 की, चलो इस वेरिएबल को भी हम साथ यूज कर लेते हैं। मतलब उसने 1000 तक कहा ना कि 1000 तक की जो मतलब सीरीज है ना उसको आपने सम करवा के उसको आपने शो करवाना है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि जब तक नंबर क्या हो एक्सीड ना कर जाए, सॉरी नंबर पहले अपना रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आ जाए, अपर लिमिट या लिमिट के साथ जब तक वो एक्सीड ना कर जाए तब तक ये लूप चलाते रहो। ब्रेस ओपन की मैंने और वहां पे क्लोज की, इसको फिर कोड को इंडेंट किया और ये हमारे पास बड़ा फाइन सा कोड आ गया। अब यहां पे मैं ये करने वाला हूं, देखो सम में हमारे पास है जीरो, ठीक हो गया, और नंबर में आप ऐसा करें नंबर में स्टोर कर लें वन, क्योंकि इसने वन के साथ साथ इंक्रीमेंट होते जाना है। तो अब ये कर रहा हूं मैं सम की वैल्यू को उसकी पुरानी वाली को डिस्कार्ड करके उसमें न्यू वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवा रहा हूं। वो कैसे करवाऊंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। अब यहां पे जरा समझने वाली बात है, देखो ये वाला मतलब हमने देखा था कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि ये इक्वल टू का साइन होता है, पर हम इस बात पे तो क्लियर है कि अब प्रोग्रामिंग में ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट पे जो भी एक्सप्रेशन है उससे जो भी वैल्यू बनती है ना उसको इसमें स्टोर करवा दो। तो अभी सम के अंदर जीरो है, तो देखो सबसे पहले वो इस पार्ट को मतलब एवेल्यूएट करेगा, इस पार्ट की वैल्यू निकालेगा, जो इस पार्ट की वैल्यू होगी उसको इसमें ला के रख देगा, अपार्ट फ्रॉम कि इसमें क्या पड़ा हुआ है कुछ भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप इस तरह वेरिएबल यूज करते हो ना तो इट मींस कि उसका प्रीवियस डेटा जो है ना वो लॉस हो जाता है, उसमें न्यू डेटा जो है ओवरराइट होता है। तो इस वजह से जब भी आपके पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर आए तो आपने ये समझ जाना कि ये जो राइट साइड वाली हमारे पास इक्वेशन या जो भी इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको पहले वो एवेल्यूएट करेगा, इसकी जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब आप इसकी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। फर्ज करो आपने यहाँ पे आगे -1 मल्टीप्लाई बाय 8 और इस तरह कुछ भी एक्सप्रेशन बना दिया, ये कंपाइलर माइंड नहीं करेगा, कंपाइलर को डिजाइन ही इस तरह किया गया। अब यहाँ पे हमारा सम वाला जो मतलब वेरिएबल है वो हमारा हो रहा है जी बार बार मतलब उसको बनाया जा रहा है, और साथ साथ ही हमने लूप को टर्मिनेट भी करना है, तो इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि ये नंबर जो है ना वो बढ़ता रहे। तो हम यहाँ पे किया हम करते हैं जी नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, ओके हो गया जी, यहां तक हमारी लूप काम कर रही है। अब सिंपल जैसे ही लूप के बाहर कंट्रोल आए तो हम यहां पे कर देते हैं द सम ऑफ द सीरीज इज, और यहां पे हम लगा देते हैं जी परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी, एंड यहां पे हम लिख देते हैं जी सम, ओके। अब देखते हैं जी हमारे पास 1000 नंबर का सम क्या आता है, ये देखें जी, ये आपके पास एक नंबर आया 5,500, ऐसे ही है जी। यहां तक किसी को प्रोग्राम की समझ ना आई हो तो पूछ सकता है जी, यस सर। आगे समझ, यस चलें सर। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा अगर नहीं समझ आई, किसको नहीं आई जी, अच्छा अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो फ्रैंकली बात कर सकता है ताकि हम इसको थोड़ा सा कम्प्रीहेंशन वे से ना समझ सकें। अच्छा उसके बाद अब मतलब क्वेश्चन ये है, अभी तक हमने 1000 नंबर का तो प्रिंट करवा लिया, क्या हो अगर हमें 100,000 नंबर का करवाना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। देखें
जो आपके पास इंटीजर होते हैं ना, या जो भी डेटा टाइप्स होती हैं, उनकी एक नंबर की खास लिमिट होती है। अभी तक सिर्फ ये समझ लें कि जो उनके साइजिंग होती है ना, उस साइज पे उसकी लिमिट डिपेंड करती है। मतलब इंटीजर अगर 2 बाइट का है तो उसमें सिर्फ एक खास लिमिट तक जो है ना वो करेक्टर आ सकते हैं। अदरवाइज वो जो लिमिट से क्रॉस करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर वो गार्बेज वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। फिर ऐसी वैल्यू आएगी जो कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगी, और कंपाइलर अपने हिसाब से कोई भी जो है ना गार्बेज वैल्यू उसमें प्रोड्यूस करके तो वो आपको सामने करवा देगा। इसको समझने के लिए आपको ये जो आपके पास डेटा टाइप्स हैं उनकी साइजिंग कन्वेंशन समझना पड़ेगी। देखो, ये जो करेक्टर है, करेक्टर होता है 1 बाइट का। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, पता है किसी को जी? फोर नहीं, थ्री मतलब आप किसी और सेंस में कह रहे हैं। 8 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। मतलब मेमोरी का जो सिंगल यूनिट जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हमारे पास आता है बिट। 8 बिट हो तो 1 बाइट होता है, 1024 बाइट हो तो 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट हो तो 1 मेगाबाइट जिसको MB बोलते हैं, 1024 MB हो, मेगाबाइट जिसको बोलते हैं, तो आपका 1 GB बनता है। उसी तरह फिर जीबी के बाद मतलब 1024 GB हो तो 1 टेराबाइट, फिर पीटाबाइट, इस तरह मतलब ये चीजें चलती रहती हैं। तो 8 बिट का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 0 से लेके 255 करेक्टर आ सकते हैं। मतलब 25 से बड़ा करेक्टर, 25 से बड़ा जो नंबर है ना वो ये होल्ड नहीं कर सकता। ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमने कहा कि कंप्यूटर को सिर्फ बात समझ आती है डिजिट्स की, वो सिर्फ 0 1 को समझता है। इस वजह से हम यहाँ पे उसकी रेंज बता रहे हैं। इसमें ये समझ लें कि जहाँ पे 97 आता है ना, या 97 की बाइनरी आती है, ये 97 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए को। ठीक हो गया? मतलब ये नंबर ही प्रोड्यूस करते हैं डिजिट, इसके बैक एंड पे कुछ और चल रहा होता है। 97 की अगर आप बाइनरी बनाएंगे तो वो बाइनरी जो है ASCII टेबल में आप मैच करें तो वो ए की वैल्यू होगी। इसी तरह 98 की वैल्यू जो है वो बी की होगी, 99 की वैल्यू सी की होगी। अगर आप बड़े ए की बात करें तो 65 अगर आप देखें तो 65 जो है आपके पास वो ASCII टेबल में आता है। मतलब बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास सिर्फ 8 बिट का होता है या 1 बाइट का होता है। अनसाइंड चार का क्या मतलब है? देखें, अगर आपके पास तो साइंड है, साइंड से ये मुराद है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, क्योंकि प्लस को तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस लगा हुआ है तो इसमें कौन कौन से करेक्टर इंक्लूड हैं? इसमें 1 मतलब -1 to 8 से लेके 1 to 7 तक, इसको भी अगर आप ऐड करें ना तो आपके पास अल्टीमेटली 255 ही आएगा। पर इसमें क्या है कि इसमें आधे करेक्टर उन्होंने माइनस के दिए हुए हैं, आधे जो है वो प्लस के दिए हुए हैं। समझ आई इस बात की या नहीं आई किसी को? सर रिपीट यस सर, आ कर गई दें। है। मैंने ये कहा कि जी अनसाइंड करेक्टर का ये मतलब है कि अगर आपके पास ये देखें, ये जो करेक्टर है ना इसमें साइंड करेक्टर मौजूद है। साइंड से ये मुराद है कि उसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, क्योंकि अनसाइंड का ये मतलब होता है कि सारे पॉजिटिव हैं। आप देखते हैं कि आपको मतलब जब आप अल्जेब्रिक इक्वेशन भी यूज करते हैं तो उसमें आपको अगर कहीं पे पहले प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड बात है कि वो प्लस ही होता है। प्रोग्रामिंग भी उसी कन्वेंशन को इनकरेज कर रही है कि अगर आपके पास साइंड है तो उसमें आधे जो है मतलब साइंड करेक्टर है तो उसमें आधे जो करेक्टर हैं वो माइनस के होंगे और आधे करेक्टर जो है वो प्लस के होंगे। लेकिन जब आप अनसाइंड चार की बात करते हो ना, करेक्टर की बात करते हो, तो उसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं होगा, उसमें सारे पॉजिटिव ही होंगे। यानी अगर इनको गिने और इनको गिने, 1 to 8 प्लस 1 to 7 करो तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर 255 ही आएगा। समझ आई बात की जी? या नहीं आई? अच्छा, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को समझ आ गई है। आ गई है सर, समझ आ गई। ओके, नो सर, एक या सर आ बार गई। अच्छा,
उसके बाद ये आपके पास इंटीजर आता है, इंटीजर जी 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, ये क्यों वैरी करता है, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, कंपाइलर कंपाइलर जो है ना इसमें वो मतलब ये कंपाइलर की रेंज है इस वजह से। अब इंटीजर अगर 2 बाइट का होगा तो उसकी ये रेंज है, अगर वो 4 बाइट का होगा तो उसकी ये रेंज है, मतलब -2 लाख 100 सॉरी 2 लाख कह रहा हूँ, ये बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट है अगर आप इसको देखो तो मतलब बताने का मकसद ये है, अगर 2 बाइट का है तो आपके पास ये रेंज होगी, अगर 4 बाइट का है तो ये रेंज होगी। इसी तरह अनसाइंड में ये होगा कि आपके पास माइनस का कुछ भी नहीं होगा, यानी अगर 32,768 को प्लस करें 32,767 में तो आपके पास 65,535 आंसर आता है, तो आपके पास सारे जो डिजिट हैं वो सारे प्लस के ही होंगे, नेगेटिव कोई नहीं होगा। और अगर आपके पास 4 बाइट का अनसाइंड इंटीजर है तो इसको और इसको प्लस करें तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो ये 4 के डिजिट में आता है। तो बताने का मकसद ये है कि जी ये सारी जो है ना चीजें डिपेंड करती हैं आप कितनी बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर आपकी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस मतलब जो भी आप इनके साथ मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं वो मिलियंस में है तो आपको बड़ी डेटा टाइप यूज करना पड़ेगी, अगर वो छोटी हैं तो आपको आप शॉर्ट पे जा सकते हैं, आप अनसाइंड शॉर्ट पे जा सकते हैं, आप खाली इंट पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप लॉन्ग पे जा सकते हैं, मतलब लॉन्ग जो है इसकी अगर आप रेंज देखें तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि हमारे पास वोकैबलरी खत्म हो जाएगी जितने डिजिट्स हैं। ओके जी, समझ आ गई जी सबको? यस सर, यस सर, ठीक हो गया जी। यस सर, आदि सलाम। अब देखें जी, अब एक नया मतलब प्रोग्राम कह रहा है कि वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू सेट अपर लिमिट ऑफ सीरीज 100, प्रिंट अ सीरीज ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है, इतना प्रोग्राम तो हमने बनाया हुआ है, वो ये कह रहा है कि आपने अपर लिमिट सेट करनी है मतलब किसी भी सीरीज की, और उसके बाद आपने वो उस सीरीज के जो इवन नंबर है ना वो प्रिंट करवाने हैं। अच्छा, अब अगर आप में से किसी ने आईसीएस में ऑड इवन वाला प्रोग्राम पढ़ा हो, कैसे होता है, किसी को याद है जी कि नहीं याद? नहीं याद, नो सर, चलें उसको कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा याद है सर जी, ठीक एफ एस सी की है। कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। इवन ऑड वाला मैं अभी मतलब उस प्रोग्राम को उसकी बिगर पिक्चर को अभी सॉल्व करने नहीं जा रहा, मैं जस्ट अभी आपके सामने हमारे पास नंबर नंबर जहाँ पे सॉरी नंबर 0 साइन करके उसको, फिर नंबर को पहले 0 साइन करेंगे, उसके बाद जहाँ पे प्रिंट करवाया है ना नंबर, वहां पे नंबर इक्वल टू नंबर +2 कर देंगे, इवन प्रिंट हो जाएंगे सारे। अच्छा, अब बात आपकी ठीक है, पर हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाने, हमने यहाँ पे चेक करने हैं कि इवन नंबर है कि नहीं है। आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, पर आप किसी और प्रोग्राम की बात कर रहे हो। हमारा प्रोग्राम ये कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज आई है 1 से लेके 100 तक, ठीक हो गया। अब इसमें से आपने 1 को भी छोड़ देना है, 3 को भी छोड़ देना है, 5 को भी छोड़ देना है, मतलब आपने पिक करने हैं सिर्फ इवन नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इनको पिक करके इनका सम आपने प्रिंट करवाना है। तो अभी जरा चेक कीजिएगा, जरा थोड़ी सी लॉजिक जो ना आपके माइंड में जो बन रही है वो भी ठीक है, पर ये लॉजिक देखिएगा अभी जिस तरीके से मैं काम करने लगा हूँ। जब भी आपने डिसीजन करवाने हैं, मतलब देखो हमने हमारी सीरीज है, सीरीज सीरीज के अंदर से हमने उससे ये देखना है कि जी नंबर जो है वो आपके पास इवन है या नहीं है, तो इट मीन्स कि हमें थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम से डिसीजन करवाना पड़ेगा। तो डिसीजन करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बोला कि इफ नंबर, क्योंकि हमारे पास नंबर वेरिएबल बना हुआ है इसीलिए उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो तरह की डिवीजन थी, एक इंटीजर डिवीजन थी, एक मॉडुलस डिवीजन थी। अब देखिए मॉडुलस डिवीजन जो है वो कैसे जो है जादू करती है। अब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो आप, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो इट मीन्स कि वो इवन है। सारे अग्री करते हैं इस बात पे या नहीं करते जी? यस सर, ऐसी बात है। किसी को मेरी बात की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है जी। सर मुझे आ गई है, मतलब एक बार दोबारा बोल दूं। मैंने ये कहा किसी भी नंबर को अगर आप 2 के ऊपर डिवाइड करो, अगर तो नंबर इवन हुआ तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, अगर इवन ना हुआ तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा।
समझ आ गई बात की जी? यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन देखें जरा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। उसने कहा नंबर मॉडुलस 2, मतलब नंबर जो भी है उसके जो रिटर्न में आपके पास रिमाइंडर आता है इक्वल टू 0 है अगर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नंबर इवन है। प्रिंट सॉरी प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इवन। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें नंबर भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ जी प्रिंट प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने कहा जी एंटर नंबर। जैसे मैंने इसको कहा एंटर नंबर, और यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा टैप कर देता हूँ इसको, और इसके बाद मैं ये करता हूँ स्कैन एफ। स्कैन एफ करवाने के बाद एम्परसैंड या ओ सॉरी परसेंटेज डी, उसके बाद एम्परसैंड एंड जिस भी वेरिएबल मैंने उसको स्टोर करवाना है उसका नाम मेरे केस में नंबर है। और जैसे ही मैंने इसको किया, अब जरा देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, ओके कंपाइलर स्टक कर गया, मुझे इस कोड को दोबारा जरा कॉपी करके, हाँ एंटर नंबर आ गया हमारे पास। जैसे ही नंबर आया मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगी। चले मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 या 100 लिख देता हूँ, 100 भी हमारे पास इवन नंबर है ना। जैसे ही मैं लिखूं करूंगा तो हमारे पास कंट्रोल आता है जी इफ के पास, और ये इतनी देर क्यों लगा रहा है, कंपाइलर थोड़ा सा स्टक हुआ है जी, पता नहीं नेट शायद स्लो है इस वजह से। दोबारा ट्राई करते हैं, मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ, इसको कंपाइलर को मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट किया, अब मैं रन करता हूँ जी। एंटर नंबर, नंबर एंटर किया जी मैंने 60। जैसे ही मैंने इसको किया तो उसने बता दिया जी ये आपके पास इवन नंबर है। एल्स केस में आप लिख सकते हो कि जी इवन है या नहीं है, मतलब इफ लिखाया, एल्स में आप लिख सकते हैं कि जी नहीं ये इवन नहीं है। यहां तक मतलब प्रोग्राम की समझ आई थी सबको? या नहीं आई? अच्छा आप देखते हैं जी, अब यही काम, सिर्फ इतना सा काम हमने क्या करना है, हमने वाइल लूप में जाके करवा देना। वाइल लूप में करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, मैं सारे कोड को वाइल लूप के अंदर इनकोड करने लगा हूं। मैंने लिखा जी यहाँ पे वाइल, और मेरी मतलब अपर लिमिट जो है वो 1000 की थी या 100 की थी, आई डोंट नो, 100 की थी जी। आप कोई भी अपना रैंडम नंबर ले सकते हैं, मतलब यूजर से भी ये रैंडम नंबर जो है ना वो आप करवा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें नंबर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू लिमिट, और उसके बाद आपने ब्रेसेस खोली और क्लोज की, इनको इंडेंट किया। अब इस इफ एल्स को आप सिंपली यहां से कट करके इसके अंदर लाके पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा मतलब मैसी सा कोड होगा, उसको सबसे पहले आपने सेट करना है, इंडेंट करना है, ताकि कोड की एक जो है ना विजिबिलिटी या रीडेबिलिटी वो बनी रहे। इस लाइन को यहां से मैं आप कर देता हूं खत्म। अब देखें जी, अब यहां पे क्या करना है, अब हमने ये कहा अगर तो नंबर आपके पास इवन है तो आप ऐसा करो, आप जो सम है उसको अपडेट करवा दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सेम वही लॉजिक, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ, बस चेंज ये हुआ है कि इसमें जो ऑड नंबर है ना उनको वो छोड़ देगा। और साथ ही आपने क्या किया, आपने ये करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, कंट्रोल सेव। और अब देखते हैं जी आपके पास 1 से लेके 100 तक जो नंबर आते हैं उनका सम आपके पास प्रिंट होता है या नहीं होता। जैसे ही जी मैं इसको रन करता हूं, इसकी अपर लिमिट हमने सेट करनी है, तो अपर लिमिट मैंने बता दी जी इसकी 100 बताने के बाद जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो हमारे पास कंपाइलर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है जी। इस लाइन को यहाँ से, इस कंट्रोल को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप वो ऑफलाइन कंपाइलर पे करोगे ना तो वो हो जाएगा सेट, ये जस्ट
थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे किया। अब इसको रन करते हैं जी। जैसे मैंने इसको रन किया हाँ जी, मसला यह आया कि हमने कोई चीज प्रिंट नहीं करवाई, मतलब वाइल लूप तो चल गई, कंट्रोल भी सारा चल गया। अब हमें यहाँ पे आके प्रिंट एफ और हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? हमें सम प्रिंट करवाना है। तो द सम इज यहाँ पे आ गया परसेंटेज डी और वेरिएबल बता दिया कौन सा वेरिएबल है जी, सम को प्रिंट करवाना है। प्रोग्राम अपने लॉजिक के मुताबिक ठीक चल रहा था, बस हम कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे थे। फिर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें जी, ये आपके पास इवन नंबर का जो समेशन है वो आ गया। समझ आई जी बात की या किसी को नहीं आई? किसी को अगर प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो पूछ सकता है जी। आ गई है सर जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब आपका मजीद जो काम जो ना करने वाला वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये आज की एक मतलब चैलेंज स्टेटमेंट है। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने सेट करनी है। लोअर लिमिट से मुराद आपने एक सीरीज देखनी है, उस सीरीज में समझ ले आप कह लेंगे 5 से शुरू होती है और वो 50 मतलब या 50 तक जाती है। इसकी आपने लोअर लिमिट भी सेट कर दी, अपर लिमिट भी सेट कर दी, और इसमें से आपने स्टोर करवाना है, स्टोर अ सम ऑफ इवन नंबर ऑफ दैट सीरीज। अच्छा, अब आप ऐसा करो, आप इवन नंबर नहीं, आपने ऐसा करना है आपने ऑड नंबर जो है ना वो प्रिंट करवाने हैं। इस इवन नंबर को, क्योंकि इवन नंबर वाला मैंने आपके सामने कर दिया, अब आप थोड़ा सा सोचें इसको, और आपने ऑड नंबर जो है ना उनका जो समेशन है वो प्रिंट करवाना, सम ऑफ ऑड नंबर दैट सीरीज, और आखिर पे आके आपने उसका जो सम है वो प्रिंट करवा देना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अपर लिमिट 20 हो गई और लोअर लिमिट जो है 5 है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जरूरी नहीं है आपने इसी सिनेरियो पे काम करना। तो फिर आपने करना है पिक इवन नंबर्स, यानी हमारे केस में अब ये इवन नहीं, अब हमारे पास ऑड हो जाएंगे ये, क्योंकि मैंने ऊपर ऑड लिख दिया। पिक ऑड नंबर्स फ्रॉम दोज एंड स्टोर देयर समेशन इन द सम वेरिएबल, आफ्टर दैट प्रिंट द सम। किसी को इस चैलेंज स्टेटमेंट की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं जी। आ गई जी समझ सबको? यस सर, आ गई। चलें ठीक है जी, आज शाम तक जो है ना ये सर, एक जी जी सर एक दफा फिर बता दें स्टेटमेंट ये वाली। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि आपने, हमने देखा कि जी हमने वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन चेक की थी ना उसको एक लिमिट के वेरिएबल के साथ मतलब हमने बताया कि लिमिट हम यूजर से ले रहे हैं। इसी तरह वो ये बता रहा है कि आपने दो लिमिट लेनी है, एक लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट से मुराद कि आपने इस सीरीज में सबसे छोटा जो आपके पास है वो कौन सा वर्ड होगा। दूसरी अपर लिमिट होगी कि सबसे बड़ा इसमें जो डिजिट है वो कौन सा होगा। ये दोनों आपने यूजर से लेनी है। फिर वाइल लूप में आपने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करने के बाद आपने ये देखना है कि उस सीरीज में ऑड नंबर कौन कौन से हैं। जो भी ऑड नंबर आपको मिले उस ऑड का आपने सम जो है वो प्रिंट करवा देना एट द एंड। मतलब उसको आप स्टोर करवा रहे हैं सम के वेरिएबल में ऑड नंबर को, क्योंकि इवन को तो हमने कर लिया। अब आपने ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है, ऑड नंबर फाइंड आउट करके उसका सम आपने प्रिंट करवाना है। और उसकी एग्जांपल भी ये लिखी हुई है कि कैसे कैसे मतलब आप कर सकते हैं। सेम इसी सिनेरियो पे आपने काम नहीं करना, पर ये समझ लें कि जी ये एक हेल्पिंग मतलब चीज़ है कि जी आपको प्रोग्राम का थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया हुआ। आगे जी समझ सबको?
सर चलें जी, ठीक है, अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह फिर जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी।